हाय गाइस, टुडे वी विल रिव्यू हुंडई वर्ना। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हुंडई वर्ना का मोस्ट वैल्यूएबल मॉडल, विच इज़ हुंडई वर्ना ईएक्स पेट्रोल वेरिएंट। 1.4 लीटर का इसमें इंजन लगा हुआ है एंड वी गेट 132.38 एनएम टॉर्क। और इस व्हीकल की ग्राउंड क्लियरेंस की मैं अगर बात करूं तो वो है 170 एमएम, टर्निंग रेडियस 5.3 एमएम, फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात करें तो 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक इसमें लगा हुआ है। एंड व्हेन यू बाय दिस व्हीकल, हुंडई आपको 3 इयर्स की वारंटी देता है और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी देता है फॉर 3 इयर्स ऑफ आरएसए, एंड यू कैन गेट इट एक्सटेंडेड अप टू 5 ईयर आल्सो। और फ्रेंड्स, अगर मैं इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करूं तो अपने C2 सेगमेंट की ये सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट इन सेगमेंट कार है। सो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं टू गेट द फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कार। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय कार इन्फॉर्मेशन की एक और वीडियो में मैं गुरनाम आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो रिव्यू है वो रहने वाला है वर्ना गाड़ी का। इनसे जानेंगे हम वर्ना की पूरी डिटेल, ये कैसे चलती है, कितने में पड़ी थी, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहता है, नॉर्मल सर्विस कॉस्ट क्या रहती है, और भाई ने क्या क्या मॉडिफिकेशन इसमें करवा रखी है। तो भाई, सबसे पहले तो आप अपनी इंट्रो दे दो। माई नेम इज़ समीर सिद्दीकी। जैसे कि स्टेयरिंग कवर, एम्प लगवा रखा है, कॉम्पोनेंट लगवा रखे हैं, फ्रंट लाइट लगवा रखी है, रिफ्लेक्टर लाइटें लगवा रखी हैं। सो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं आपको इसके इंटीरियर का एक व्यू बता देता हूँ, पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर एक्सटीरियर में जाएंगे, बूट स्पेस और म्यूजिक सिस्टम को करेंगे चेक, उसके बाद लेंगे एक हल्की सी छोटी सी टेस्ट ड्राइव। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटीरियर से। तो कुछ इस तरीके से ये दिखता है, ड्यूल टोन हम इसको कह सकते हैं, फैब्रिक डिज़ाइन प्लास्टिक के साथ। और ये विंडो कंट्रोल बटन, एसी का वेंट आप देख सकते हैं सेंटर कंसोल में। म्यूज़िक सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसमें टच पैनल नहीं दिया गया है। ये टच पैनल है बट यस, इस पर वीडियो चलता है। अच्छा, वीडियो भी चलता है बट स्क्रीन जो है वो छोटी है, बट टच पैनल है। ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करता है। एसी की मैं अगर बात करूं तो फुली ऑटोमेटिक है, नीचे प्लग चार्जर 12 वोल्ट का सप्लाई, और सेंटर में यहाँ पे लीवर दिया गया है, और आर्म रेस्ट, स्विच कैम जो भी हुंडई सब गाड़ियों में आजकल दे रहा है। स्टेयरिंग की अगर मैं बात करूं तो म्यूज़िक और फ़ोन के कंट्रोल विद द क्रूज़ मोड इसमें सारे इंस्टॉल किए गए हैं। लेदर रैप्ड इसकी फिनिश्ड है, काफ़ी अच्छा दिखने में, प्रीमियम लुक लगता है। टेलीस्कोपिक और टिल्टेबल ऑप्शन है। सन वाइजर्स की तो इसमें वैनाइटी ऑप्शन दिया गया है मगर लाइट इसमें अवेलेबल नहीं है। सेंटर कैबिन की लाइट इस तरीके की है, और साथ में माइक जो कि आपको बात करने के लिए दिया गया है। ये कुछ प्लेस है जहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे भाई ने गॉगल रख रखी है ऑलरेडी आपको आइडिया देने के लिए। ड्राइवर साइड में आपको वैनाइटी ऑप्शन नहीं मिलता है। और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें बीच में MID है। मीटर जो है दोनों एनालॉग टाइप के हैं। विंडो, पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। और अगर सेफ्टी की अगर हम बात करें तो 2 एयरबैग्स ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए दिए गए। ये था इसका फ्रंट कैबिन का ओवरव्यू, ड्यूल टोन जिसमें बहुत ही लग्जरियस डैशबोर्ड प्लेस किया गया है। डैशबोर्ड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फ्रंट विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। जब आप हाईवे पे स्पेशली गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं तो ये आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील देता है। सो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं बैक कैबिन की ओर। बैक सीट कवर, अच्छा सीट कवर वगैरह आपने जो है वो बाहर से करवाए हुए, निखिल कारवर्ल्ड से करवाए हुए। तो बैक पार्सल ट्रे आप देख सकते हैं, बैक बिन स्क्रीन में डिफॉगर दिए हुए हैं, कैबिन लाइट, बैक कैबिन लाइट, और फ्रंट सीट्स दोनों के जो हैं हेडरेस्ट वो डी अटैचेबल हैं।
साइड विंडोज़ की अगर डिज़ाइन की बात करें तो बहुत कूल डिज़ाइन इसमें दिया हुआ है। बैक सीट के भी जो है रेस्ट हैं वो डिटैचेबल हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे आर्म रेस्ट होल्डर और कप होल्डर यहाँ मिल जाता है। यहाँ पे आप अपने कप वगैरह प्लेस कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं इसके बूट स्पेस की ओर। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें कंपनी जो है फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स और रेयर में ड्रम ब्रेक ऑफर करती हैं। तो चलिए अभी मैं दिखाता हूँ बूट स्पेस, विच इज़ मैसिव बूट स्पेस जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत बड़ा 480 लीटर्स का बूट स्पेस इसमें दिया गया है और ऊपर लाइट एक प्लेस की गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे इसके एक्सटीरियर की। बैक टेल लैंप जो है नॉर्मल ऐसे लैंप्स आपको मिलने वाले हैं, LED लैंप्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे। लाइट्स का डिस्प्ले कुछ इस तरीके से रहता है, वरना की वेजिंग, हुंडई लोगो, नीचे फ्लोटिंग लाइट्स जो हैं भाई ने प्लेस करवा रखी हैं। और नीचे मिलता है आपको एक सुपर स्पोर्टी लुक वाला ड्यूल टोन बम्पर। फ्रेंड्स, इस कार की मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के चेन्नई प्लांट में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और 2018 में ये कार अपने सेगमेंट की द कार ऑफ इंडिया का अवार्ड भी ले चुकी है। चलिए साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। R15 इंचेस के इसमें नॉर्मल स्टील व्हील विद व्हील कवर आपको कंपनी ऑफर करती है। फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। नीचे जो फोग लैम्प्स दिए गए हैं वो सराउंडेड हैं विद क्रोम। एंड अगर मैं इसकी फ्रंट ग्रिल की बात करूं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव इसमें जो कंपनी डिज़ाइन करके देती है, बट यहाँ पे आप जो ग्रिल देख रहे हैं ये बाहर से लगवाई गई है। इसका प्राइस अराउंड 3500 निखिल कार वर्ल्ड में आप इसको परचेज कर सकते हैं। ABS, EBD, पार्किंग सेंसर, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक अनलॉक, क्लच लॉक, कीलेस एंट्री, ड्यूअल हॉर्न, चाइल्ड सेफ्टी एंड एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम। सो ये गाड़ी फुली फीचर लोडेड होने के साथ बहुत स्पोर्टी भी है। सो नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट ड्राइव। चलने में काफ़ी अच्छी है, फन टू ड्राइव जिसको बोल सकते हैं। और भाई का म्यूजिक सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है, इसमें एम्प लगा रखा है आपने। सो ठीक है भाई, आप तो गाड़ी डेली चलाते हो, अब गाड़ी को जाती बार मैं चलाऊंगा और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो चलिए ड्राइवर चेंज करते हैं। सो चलिए दोस्तों इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो चलिए भाई, वरना मेरी भी एक फेवरेट गाड़ी में से एक है, थी नहीं, है अभी भी है। सो आज मैं इसको पहली बार चलाने जा रहा हूँ, देखते हैं इसका इसको थोड़ा क्रूज़ मोड में लेके कि कैसे चलती है ये। अभी मैं अगर बात करूँ तो ये 2500 RPM पर है। और माय कार इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें और उसके बाद ऑल टैब पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। थर्ड गियर में बहुत अमेजिंग पिकअप है इसका और स्टेबिलिटी भी रोड के साथ बहुत अच्छी है और काफ़ी अच्छा कम्फर्टेबल फील हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि 100 पे गाड़ी चल रही है तो बहुत ही अनकम्फर्टेबल है, बहुत कम्फर्टेबल फील हो रहा है। और कंट्रोल भी काफ़ी अच्छा है, ब्रेकिंग रिस्पांस की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा है। और फ्रंट विजिबिलिटी और बैक साइड में और राइट और लेफ्ट मिरर में पीछे का काफ़ी अच्छा व्यू जो है आपको देखने को इसमें मिलेगा और काफ़ी कंफर्टेबल है ये गाड़ी। सो फ्रेंड्स, अब बारी आ चुकी है वीडियो को क्लोज करने की। सो अगर मैं कार की लुक्स की बात करूँ तो बहुत ही प्रोपोर्शनेट हर एस्पेक्ट्स में ये गाड़ी दिखती है। प्रॉपर मिड साइज सेडान इसको हम कह सकते हैं। चैसी प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये सेम एलेंट्रा वाला जो चैसी प्लेटफॉर्म है वो इसमें यूज़ किया गया है। अब एक अच्छी मिड रेंज सेडान अगर कार देख रहे हैं तो वरना आपके टॉप रडार पर हो सकती है, जो कि आपको मिल जाती है विद अ बेटर सोशल स्टेटस इफ़ वी कंपेयर विद अदर टॉप ब्रांड कार्स ऑफ इंडिया। सो होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड ऑल्सो प्लीज़ मेक श्योर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो माई कार इन्फॉर्मेशन को और सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।